जलसा जिहड़ा होया एक साडे भाई ने हाजी अब्दुल भाई साहब उमरा करके आए उन्होंने एक देख का इंतजाम किया है। इसे तरह साडे हाजी यासीन साहब ने उन्होंने एक देख का इंतजाम किया है। बाकी तकरीबन 50,000 रुपए के इश्तहार जिहड़े साडे लगे ने 32,000 रुपए के इश्तहार ने फिर उन्होंने लाना लोगों के पिंड हर पिंड अलहमदुल्ला इश्तहार पहुँचता है। असी दोस्तों दावत देने फिर एक खुशखबरी तुहाडे वास्ते अजवा और मबरूम और कलमी खजूर मदीना पाक तो मंगवाई है वो अलहमदुल्ला कारी साहब पता है 43,500 रुपए की सिर्फ कहदे वास्ते अफतारी वास्ते जिहड़ा मैं तुहानू दस्या ना कि दोस्त अहबाब का तावन जिहड़ा है कारी बिन्यामीन आबद साहब तशरीफ लिया रहे हैं। दुआ करो अल्लाह उन्होंने सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। पिछले साल आए हाजी शहजाद साहब तशरीफ फरमा ने इन्होंने उन्होंने खाना भी खिलाया तो उन्होंने खिदमत भी की माशाल्लाह अल्लाह इन्हों जजाए खैर अता फरमाए। अज भी कारी बिन्यामीन आबद साहब के इंतजार च ने इंशाला उन्हों का खाना भी हाजी साहब के कोल है और इंशाल्लाह उन्होंने खिदमत भी करेंगे। इस तरह असी उलमा की खिदमत भी कर रहे हैं दिन रात एक करके। बाद बंदे कहते हैं कि जलसा करा के ना कोई 4-5 लाख रुपया कमा लेंगे ने मेरे भाईओ तो कोई मेरा कोठा अजे वेख लवो मेरे कौन चैंग कर लो इन्ना तो नैब वाले तंग नहीं करते जिन्हें नमाजी तंग कर दे हकीकत बात है नैब वाले इन्ना नहीं तंग कर दे जिन्ना ये बंदे रोज जलसा खुदा दी कसम मैं अल्लाह तौफीक देवे ते मैं हर रोज जलसा करांगा। शाह साहब यकीन जाने दुआवां करदे ने कि जदों साडा इश्तिहार लगदा ना कहिंदे ने सब तो वड्डी दावत मसले कह लिया हदीस दी कि जिहड़े लोगों तक पहुंचते हैं। यह जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया ना इन्हां को दोस्त अहबाब ने तावन किया है अल्लाह पाक इन्हां सारयां दा जिहड़े दोस्त आउंदे ने अपना टाइम सब तो वड्डी गल कीमती टाइम कि जिहड़ा अपना टाइम देंदे ने अल्लाह उन्हां नूं जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह दुआ करो अल्लाह सानूं सेहत अता करे ते इंशाअल्लाह असीं इसे तरह ही किताबो सुन्नत दी आवाज़ नूं बुलंद करिए। अब तशरीफ लाते हैं सैयद वसीम हुसैन शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لو جی ما شاء الله شیر پاکستان پہنچ حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب دعا کرو اللہ پاک انہوں सेहत और ईमान वाली लंबी जिंदगी नसीब फरमाए। उस तो बाद अकबर असद साहब माशाल्लाह कारी अकबर असद साहब कारी अल्ताफ रहमान शाकर साहब सबका देवबंदी हाँ जी सबका देवबंदी और कारी बिन्यामीन आबद साहब माशाल्लाह से फिर मेरा ख्याल का टाइम पूरा हो चुका है इंशाल्लाह। हाँ जी कारी मोहम्मद नदीम शाकर साहब और तशरीफ फरमाए जरा स्टेज पर आ जाओ जी अल्लाह पाक कबूल फरमाए आज आज अंदर आ जाओ ते ज़्यादा टाइम नहीं दो चार गल्लां करिए इंशाल्लाह गल खत्म करिए। नबी पाक सल्लम दी आल हर मुसलमान दी जान है अहले ईमान दी कोई दुआ ते कोई नमाज फर्जी नफली जनाजा उन्नी देर तक कबूल नहीं हुंदा जिन्नी देर तक अहले बैत नाल मुहब्बत दा इजहार ना करे। ठीक है ना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला भाजी साड़ी तो नमाज़ा का हिस्सा साड़ियाँ दुआ असी तो उस दुआ नूं दुआ ही नहीं समझते बल्कि साडा यह अकीदा है कि वह दुआ अरशे मौला तक जाती नहीं जिनी देर तक आले रसूल ते रहमत और मगफरत की दुआ ना करी। लोग तो भाई नमाज तो बाद ठा पा करके इधर उधर दो चार दुआवां रटियां ने तो अपनी दुआ पजांदे ने साडा तो अकीदा है कि उन्नी देर तक नमाज बल्कि असीं कहिंदे आ नमाज के अंदर जिहड़े दो तशहुद ने ना उन्हां च पहले तशहुद दी दुरूद ही पढ़िया करो। क्यों जी इन अल्लाह व मलाइकतो युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहता तो नाल दुरूद शरीफ भी तो भरा कहते हैं कि जिन्हें पहले तशहुद च दुरूद पढ़िया उन्होंने सईदा साहब माशाल्लाह अहलन व सहलन मरहबा आई साहब हाज कबूल फरमाए सदीकी साहब अल्लाह रहमत फरमाए ये ताज़ा ताज़ा जी माशाल्लाह हज करके आए अल्लाह पाक कबूल फरमाए अल्लाह पाक इन्हां दी सेहत और ईमान वाली जिंदगी नूं लंबी नसीब फरमाए और अल्लाह पाक इन्हां दी हर तरह की हिफाजत फरमाए और इन्हां नूं साडे अंदर इस तरह रौनक
फरोज और इस तरह रौनक वाली जिंदगी मुहब्बत वाली प्यार वाली और कुरान सुन्नत की सच्ची दावत वाली ये साढ़े अंदर पैगाम पहुँचाते रहन अल्लाह पाक इबादत को कबूल फरमाए। तो साढ़ा तो कीदा भाई ना नमाज कबूल है तो ना कोई दुआ कबूल है जिनी देर तक असी नबी पाक की आग के दरूद ना पढ़िए। और नबी पाक सलम की दुआ ही कि अल्लाह मैनी उहिब्बू हुमा फ अहिब्बा हुमा व अहिब्बा मैं उहिब्बू हुमा बहुत बड़ी बाल फरमाई या अल्लाह मैनू इन्हां नाल प्यार है तो या अल्लाह तू भी इन्हां नाल प्यार कर जेड़ा इन्हां नाल प्यार करे अल्लाह तू उन्हां नाल प्यार कर। लो जी हर मुसलमान के दिल की तड़प है कि नबी पाक की दुआ के फिर अल्लाह का प्यार। हाँ जी अच्छा फिर प्यार के जाबते बड़े अजीब बन गए। उन्हें आखिया जी अहले बैत नाल प्यार वो कर सकता है जिहड़ा मातम करने वाला हो। लो जी आ भी जाबता है मुहब्बत का बनाया बड़ा अजीब है। फिर पसरूरी साहब हैरानगी इस गल की है कि कुरान नूं बदल रहे हैं ऐसिया ऐसिया आयतां पढ़ रहे हैं और कहते हैं मातम साहब मां सारा ने नहीं कहा फसकत वज हा नहीं पिटी कदों जो बच्चा पैदा होया जो बच्चा पैदा उदो पिटो यानी कैसी कैसी अजीब वैस करनी ने दंद नहीं सी तोड़े। हाँ जी भाई कैसी कैसी अजीब दलीलां दे के यानी कुरान नहीं बदल सकते लेकिन कुरान नूं बदलने की कोशिश। तो यह मुहब्बत दे जिहड़े ताजिया जिहड़ा निकलता जिंदे घर अलम नहीं लग्या जिहड़ा जनाब हुसैन दा मंगता नहीं बनता उन्होंने प्यार ही कोई नहीं ना भाई ईसाई कहन सानूं ईसा नाल प्यार है असीं कहने ईसा नाल सानूं प्यार है भाई तुहाडे प्यार दा अंदाज की है। वो आंदे ने प्यार दा अंदाज ए वे कि तुसीं ईसा नूं अल्लाह दा बेटा बनो असी मन सब ने साड़ा ईमान ही असी अल्लाह का रसूल मन्ने अल्लाह का बेटा वो आंदे ता प्यार उन्हें नजरे अल्लाह ते न्याजे असी कहने नजर भी अल्लाह दी ते न्याज भी यानी वो जब्त। अच्छा डे कितने मुसलमान भरा ने उन्होंने मुहब्बत है अहले बैत की मुहब्बत है जाके उन्होंने मजलसा सुनते हैं मकसद की जी जिक्रे हुसैन ही हो रहा जिक्रे हुसैन ही हो रहा शिरक भी हो रही बिदात भी हो रही है सुहाबा के तबर्रा भी की जा रही। हाँ जी तो जो सुहाबा कोई तबर्रा करे तो उस वे साढ़े तो हुक्म है फकूल लानतुल्लाह अला शर्रे कौम जे ये गल कह सकना उस मजलिस बह के तेरे ते अल्लाह की लानत होए उन्दे ते तबर्रा कर रहे हैं जिहड़ा यारे गार है उन्दे तो तबर्रा कर रहे हैं जिन्हां दे बारे कुरान कहिंदा उलाइकहुमुल मुमिनून उलाइकहुमुल मुफलिहून उलाइकहुमुल मुत्तकून उलाइकहुमुल वारिसून। तो हजरत प्यारे भाईजान हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी कि तीन ग्रुप का तज़किरा फरमाया पहले मुहाजर फिर अंसार ते तीसरा ग्रुप अहले हक दा वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यकूलून रब्बना अग़फिर लना वले इख़वानना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल या अल्लाह सी सिद्दीक ते राज़ियां तू ही राज़ी हो या अल्लाह सी फरूके आज़म ते राज़ी हां या अल्लाह तू भी राजी हो जा इंशाअल्लाह एहो ही ग्रो अल्लाह दी रहमत नाल जन्नत दा मेहमान बनेगा अल्लाह जिंदा रखे आन शान और ईमान वाली मोहब्बत नसीब फरमाए अमा अली अल्लाह।